हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक एड्यू। जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगी आई एम प्रोफेसर हरप्रीत भामरा एंड इस चैनल में हम पढ़ते हैं सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस ऑफ 12th स्टैंडर्ड ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। चैप्टर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अवर बोर्ड एग्जाम्स, इसीलिए हमने इनमें से सारे क्वेश्चंस को ब्रेकआउट करके सिंपल वे में मैंने पढ़ाया है एंड आपको कैसे लिखना है वो भी समझाया है। आज हम उसी चैप्टर में से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले लेट अस रिकैप कि हमने अभी तक कौन से क्वेश्चंस कर लिए हैं। वी हैव कंप्लीटेड व्हाट इज इक्विटी शेयर्स, एक्सप्लेन द फीचर्स, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं इन सब की लिंक्स मैंने मेरे डिस्क्रिप्शंस में शेयर की हैं। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ गो थ्रू दिस, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आज हम करने वाले हैं नया क्वेश्चन जो है व्हाट इज डिबेंचर्स। चैप्टर 2 सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, व्हाट इज डिबेंचर्स। लेट अस बिगिन। मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। जब बोर्ड में हमें क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डिबेंचर्स, हमें एलैबोरेट करना है उसका मीनिंग। इसीलिए मैंने आपके लिए पॉइंटर्स बना दिए हैं जिससे आपको याद रहेगा कि उसके अंदर हमें लिखना क्या क्या है। इन पॉइंटर्स को जब आप सेंटेंसेस में बनाओगे आपका मीनिंग अच्छा खासा रेडी हो जाता है 5 to 6 लाइन्स का। लेट अस सी व्हाट इज डिबेंचर्स। कंपनी को सिर्फ ओन कैपिटल की जरूरत नहीं होती है, कंपनी को बोरोड कैपिटल की भी ज़रूरत होती है। तो बोरोड कैपिटल में सबसे पहला जो हमारा आता है वो है डिबेंचर्स। लेट अस सी द मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। फर्स्ट मीनिंग यहाँ पे होगा, उसका पॉइंट होगा बोरोड कैपिटल। डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल। द पर्सन हु बाय द डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज डिबेंचर होल्डर। The debenture holder is the creditor of the company. Debentures are issued for long and medium term financial needs of the company. Debenture is the evidence of indebtedness. Debenture certificate is issued by the company to the debenture holder. ऐसे हमें वो आंसर लिखना है, ठीक है। पहला पॉइंट उसमें क्या है हमारा, वो है बोरोड कैपिटल। दूसरा है जो उसे खरीदता है उसे हम बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। तीसरा, वो हमारी कंपनी का क्रेडिटर है, उसने हमारी कंपनी को पैसे दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट एविडेंस ऑफ डेप्थ होता है, उसके बाद होता है डिबेंचर सर्टिफिकेट। लास्ट में जो मिस कर गई वो है ये इश्यू करती है कंपनी लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स के लिए। 5 years, 10 years, 25 years ऐसी ज़रूरत होती है जब पैसों की, उस टाइम पे कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट। मीनिंग लिखने के बाद हमें नेक्स्ट जो करना होता है वो है हमारा डेफिनेशन। देखते हैं हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसका। डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर्स। Palmer defines a debenture as an instrument under seal evidencing depth, the essence of it being admission of indebtedness. ठीक है, इसका मतलब है जब कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है तो डिबेंचर्स इशू करने के पीछे वो एविडेंस भी है इनडेप्थनेस का। कंपनी ने हमसे इतने पैसे बोरो किए हैं उसका प्रूफ भी है। किसमें है वो प्रूफ, हमारे डिबेंचर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। ओके, अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशन डिबेंचर इज एन एविडेंस ऑफ इनडेप्थनेस। डिबेंचर एक एविडेंस है हमारे कि कंपनी ने कर्जा लिया है हमसे। कौन, किससे, कॉमन पब्लिक से, ठीक है, जिन्होंने डिबेंचर्स खरीदे हैं उनसे। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर सर्टिफिकेट में सब कुछ लिखा है, कंपनी का नाम, आपका नाम, आपने कब उसमें कितने पैसे जमा किए, कब वो मैच्योर होंगे, हर एक चीज उसमें लिखी हुई है। अंडर द कॉमन सील ऑफ कंपनी, उसके ऊपर कंपनी का कॉमन सील स्टैंप भी है। 2 डायरेक्टर साइन करते हैं और उसके ऊपर काउंटर साइन होता है सेक्रेटरी का। ओके, ठीक है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिबेंचर्स की. The term debenture has come from the Latin word debere, which means to owe. ये debenture word आया कहाँ से है? ये आया है from Latin word that is debere, which means to owe. बराबर है. Yes, common public क्या करती है? कुछ पैसे देती है कंपनी को रखने के लिए, किस कुछ टाइम के लिए. Yes, Section 2, subsection 30 of the Companies Act 2013. Only states that the word debenture includes debenture stock, bonds and any other instrument of a company evidencing a debt. That means borrowed capital के और भी कुछ instruments हैं company के पास जो वो issue करती है in time interval. ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है एंड आप इसे थरोली याद रखेंगे बिकॉज मीनिंग के भी कुछ मार्क्स होते हैं. ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों.